अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन, आज के मौके पर एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया जिसे देखकर हर मुसलमान का ईमान ताज़ा हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हज के दिन हैं और मुख्तलिफ मुमालिक से लोग हज की अदायगी करने पहुंच गए हैं। कल से एक वाकया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है कि एक ईसाई पादरी हज करने के लिए पहुँच गए हैं और उन्होंने ख्वाब में क्या देखा और वो मुसलमान हो गए और मुसलमान होने के बाद उन्होंने अपना नाम इब्राहिम रखा और साथ ही उन्होंने इमरान खान के लिए क्या पैगाम भेजा। मुकम्मल हैरान कुन वीडियो शेयर करने से पहले आपको ये बता दूं कि दोस्तों, ये जो पादरी है जिसने इस्लाम कबूल किया है, उसने बताया कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि सफेद लिबास पहने हुए मैं काबा में खड़ा हूँ और मेरे साथ वो सब लोग हैं जिनको वो एक साल से चर्च में तबलीग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मुसलसल 3 दिन मुझे ये ख्वाब आते रहे और मैंने अपने चर्च में जो मुझे फॉलो करते हैं और जो मेरे पेशवा हैं उनको भी कलमा शहादत पढ़ा दिया और अब वो हज का फरीजा अदा करने वो सब इनके साथ आए हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि मैंने मुसलमानों के बारे में जानना शुरू किया और पाकिस्तान के जो लीडर इमरान खान हैं उनका साथ दें क्योंकि वो एक सच्चे लीडर हैं। दोस्तों, आप सबका इनके बारे में क्या कहना है, अब कमेंट सेक्शन में जरूर इब्राहिम को मुसलमान होने की मुबारकबाद दें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।